आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी के चार पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। जुडिशरी और मीडिया का फंक्शन आपको पता ही है, तो मैं फोकस करना चाहूंगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। लेजिस्लेचर में हमारी सरकार आती है, हमारे पॉलिटिशियन जिनका काम होता है लॉज बनाना पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव में आती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि हमारे सारे आईएएस ऑफिसर्स और अलग अलग सिविल सर्वेंट्स आते हैं। इनका काम होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी डे टू डे वर्किंग चेक करना कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और इनका काम यह भी होता है कि ये मीटिंग्स में जाके रिपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस को रिपोर्ट देते रहे कि कितने अच्छे से उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उनमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। इनके पास ये पावर नहीं होती कि ये खुद के लॉज बना लें, जो सरकार ने लॉज बनाए हैं उन्हीं को इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एक नॉर्मल स्टेट में जो आईएएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनको रिपोर्ट बैक करना होता है उसी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को। यही चीज दिल्ली में भी होती थी 2015 तक, लेकिन 2015 के बाद से, स्पेसिफिकली मई 2015 के बाद से ऐसा नहीं होता है। मई 2015 में मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन इशू की, जिसमें कहा गया था कि ये जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं अब ये दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं देंगे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये जाके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट करेंगे। बहुत ही अनडेमोक्रेटिक डिसीजन था, क्योंकि दिल्ली के एलजी को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट करती है और जो लोगों ने सरकार अपॉइंट करी हुई है 673 सीट से जिताया हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनके पास से इस ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल हटा के एलजी को दे दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी एलजी के पास कंट्रोल दे दिया जाए उस चीज का। सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास पावर होती है कि वो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर पाए, उनको अपॉइंट कर पाए, उनको पनिश कर पाए। बाकी सारी स्टेट्स में देश में आईएएस ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है उनको अपॉइंट करने की, उनको ट्रांसफर करने की, लेकिन यहां पे ये सारी पावर एलजी को दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है दिल्ली में, मैं कहूंगा जो इसकी रूट कॉज है वो ये 2015 की नोटिफिकेशन है। 2015 से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में काफी बार आवाज उठाई है और इसको कोर्ट में भी लेके जा चुके हैं। आज के टाइम पे दोस्तों ये चीज अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है कि एलजी को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कितनी पावर मिलनी चाहिए। अभी भी इस पे चर्चा चल ही रही है सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद भी।